नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि साल 2018 समाप्त होने वाला है। साल 2018 में कुल अभी 9 दिन रह गए हैं, तो इस साल के भीतर हमें कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो यदि हम समय पर ना करें तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे कामों के बारे में बताऊँगा जो यदि आपने अभी तक नहीं किए हैं तो आप उन्हें कर लीजिए, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहला काम है इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपको 31 दिसंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देनी चाहिए। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक रखी गई है, लेकिन यदि आप 31 अगस्त तक भी अपनी ITR नहीं भर पाए हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी ITR भर देनी चाहिए। यदि आप 31 अगस्त के बाद अपनी ITR जमा करते हैं तो आपको कम से कम 5000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है, लेकिन यदि आप 31 दिसंबर तक भी अपनी ITR नहीं जमा कर पाते हैं, उसके बाद जमा करते हैं, तो आपको सरकार के द्वारा 10000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी ITR 31 अगस्त से पहले ही हर साल जमा कर दें। यदि आपकी ITR किसी कारणवश जमा नहीं हुई है तो आप उसे अभी जमा कर दें, अन्यथा आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा, दोस्तों, आपको अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड जिनके ऊपर मैग्नेटिक चिप लगी हुई है वह सभी कार्ड आपको बदलवाने होंगे। RBI की गाइडलाइन के अनुसार जितने भी मैग्नेटिक डेबिट व क्रेडिट कार्ड हैं वे सभी बंद हो जाएंगे, इसलिए आपको 31 दिसंबर से पहले बैंक में जाकर अपने डेबिट व क्रेडिट कार्ड को बदलवाना होगा। अब सरकार के द्वारा नए EVM कार्ड्स आ गए हैं जो कि आपको वित्तीय लेन देन में सहायक होंगे, इसलिए यदि आपके पास मैग्नेटिक डेबिट या क्रेडिट कार्ड हैं तो आप बैंक में जाकर अपना कार्ड को बदलवा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है, अब वो हमारा कार्ड मैग्नेटिक कार्ड है अथवा EVM कार्ड है, तो उसको आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं। आप अपने कार्ड को निकाल कर उसे ध्यान से देखें। यदि आपके कार्ड के लेफ्ट साइड में एक चिप लगी हुई है तो आपका कार्ड EVM कार्ड है। यदि आपके कार्ड में कोई ऐसी चिप नहीं है तो आपका कार्ड मैग्नेटिक कार्ड है और आपको उसे जल्दी ही बैंक में जाकर बदलवाना होगा। यदि आप 31 दिसंबर से पहले उस कार्ड को नहीं बदलवाते हैं तो 31 दिसंबर के बाद आपके कार्ड से आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप अपने कार्ड को एक बार चेक कर लें कि आपका कार्ड मैग्नेटिक है अथवा EVM कार्ड है। यदि आपका कार्ड EVM है तो आपको कार्ड बदलवाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, दोस्तों, आपको अपने बैंक अकाउंट को मोबाइल नंबर से लिंक करवाना बहुत आवश्यक होता है। यदि आपने अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाया है तो अभी बैंक में जाकर उसे लिंक करवा लें, क्योंकि यदि आप अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक नहीं करवाते हैं तो 31 दिसंबर के बाद आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपकी सभी नेट बैंकिंग व डेबिट व क्रेडिट कार्ड जैसी सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, इसलिए कोशिश यह करें कि 31 दिसंबर से पहले बैंक में जाकर अपने मोबाइल नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक करवा लें। दोस्तों, हमारा मकसद केवल आपको जागरूक बनाना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी इसकी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, वंदे मातरम।